इट्स ओके यार, डोंट बी एंग्री। तूने ही बोला था ना, गेम में हारने वाले भी जीतते हैं। ये बड़ा था 11 विकेट्स का अपना लीग में टीम बनाने वालों की जीत पक्की होती है, चाहे वो हारे या जीते। ये बोला था। So this video is sponsored by 11 Wickets. So 11 Wickets में बहुत ही कमाल का फीचर आ चुका है जो कि है फ्री लीग। तो फ्री लीग फीचर बेसिकली ये है कि आप हर एक मैच के फ्री लीग में ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि वहाँ पे लीग फ्री है तो आपको कोई कैश प्राइस नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे गारंटीड कैश प्राइस मिलता है। एंड वो कैश प्राइजेस आप दूसरे कॉम्पिटिशन में यूज कर सकते हो। और जो कि कमाल का फीचर है, मतलब बेसिकली आपको कोई पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, आप फ्री लीग में जाके आपका खुद का एक टीम बना सकते हो। फुटबॉल क्रिकेट दोनों में ही अवेलेबल है तो टेंशन लेने वाला कोई बात ही नहीं है। एंड वहां पे आप अपना टीम बना सकते हो और जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। एंड वहां से आप गारंटीड कैश प्राइजेस जीत सकते हो। तो इससे ज्यादा बढ़िया फीचर क्या हो सकता है। सो कमाल का फीचर है ये 11 विकेट्स का। एंड ये कैश प्राइजेस आपको ऐप में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे और आपको ये फ्री लीग का फीचर हर एक मैच में मिल जाएगा, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। सर किस बात का वेट करो, डेफिनेटली 11 विकेट्स ऐप को चेकआउट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में प्रिंट कॉन को लिंक मिल जाएगा एंड डाउनलोड कीजिए 11 विकेट्स। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में स्क्रम द बी स्पोर्ट्स, या बोलता है फुटबॉल से रिलेटेड टॉप स्टोरीज और टॉप रिव्यूज। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरो के बारे में। तो यूरो में कल था राउंड ऑफ 16 का लास्ट दो मैच। एंड अगर हम लोग पहले मैच का बात करें जो था इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी, बहुत ही ज्यादा एक बड़ा मैच, बट टू बी ऑनेस्ट इंग्लैंड एक डिजर्विंग टीम था एंड इंग्लैंड ने ये मैच जीता है 2-0 से। एंड नो डाउट इंग्लैंड ने इस मैच में बहुत अच्छा खेला है, मतलब जर्मनी से तो काफी ज्यादा अच्छा खेला है। एंड अगर हम लोग जर्मनी का बात करें तो ये बेसिकली जोकिम लो का लास्ट मैच था और एक काफी बड़ा मैनेजर करियर, 15 साल एक नेशनल टीम को मैनेज करना इतना इजी नहीं होता एंड वर्ल्ड कप भी जिताया है। सो काफी कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके पास। एंड मेरे हिसाब से अभी जर्मनी के नेशनल टीम को एक चेंज का जरूरत था एंड हांस फ्लिक वो चेंज लाएंगे। एंड अगर हम लोग कल के मैच का बात करें तो इंग्लैंड का ओके पिकफोर्ड ने लिटरली अपना क्लास दिखाया, वर्ल्ड क्लास गोलकीपिंग एंड रहीम स्टर्लिंग कमाल का परफॉर्मेंस। नो डाउट रहीम स्टर्लिंग बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, बस रहीम स्टर्लिंग का कभी कभी लगता है कि वो और ज्यादा गोल कर सकते बट वो उतना फिनिश कर नहीं पाते, बट नो डाउट काफी टैलेंटेड प्लेयर है। और पहला गोल तो खुद रहीम स्टर्लिंग ने किया है एंड दूसरा गोल जैक ग्रिलिश आते ही जैक ग्रिलिश ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है गेम में। और दूसरा गोल में भी रहीम स्टर्लिंग का बहुत बड़ा हाथ था, प्रॉपर कवरिंग, प्रॉपर बॉल मूवमेंट। सो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था रहीम स्टर्लिंग का। हैरी केन ओके गोल किया है बट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं था क्योंकि हैरी केन को हर टाइम मार्क किया था हमल्स ने। मेरे हिसाब से जर्मनी का ओके काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड इंग्लैंड नेक्स्ट राउंड में जा चुके एंड इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल्स में यूक्रेन के अगेंस्ट में खेलेंगे क्योंकि स्वीडन वर्सेस यूक्रेन का जो मैच था उसमें यूक्रेन 2-1 से जीत चुका है एंड बहुत ही कमाल का मैच मैं बोलूंगा। अगर मैं देखूं कि कौन सा मैच, अगर मैं न्यूट्रल होकर देखूं कि कौन सा मैच ज्यादा एंटरटेनिंग था तो डेफिनेटली स्वीडन वर्सेस यूक्रेन ज्यादा एंटरटेनिंग लगा मुझे क्योंकि मैच में एक पेस था, एक देखने में मजा आ रहा था, प्लेयर्स पूरा कोशिश कर रहा था। इस मैच में यूक्रेन का ओके बेसिकली फोर्सबर्ग ने कमाल का खेला है। अब यूक्रेन का भी बैड लक है कि एक क्रॉस पीस में लगा, एक पोस्ट में लगा, तो दो तो बॉल ऐसे ही बाहर हो गए। तो मेरे हिसाब से उनका भी थोड़ा सा बैड लक है, पूरा गलती में उनको नहीं दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल ही खराब खेला है। एंड एंड मोमेंट में, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में, उनके एक प्लेयर को रेड कार्ड भी मिला जो कि वेल डिजर्व रेड कार्ड था क्योंकि वैसे फाउल से पैर टूट सकता है, बहुत डेंजरस टैकल था, जिन्होंने देखा उनको पता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप डेफिनेटली मैच हाईलाइट देखना, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैच बहुत अच्छा हुआ है। और यूक्रेन का ओके जिनचेंको ने अपना क्लास दिखाया, एक गोल, एक प्रॉपर असिस्ट, मतलब जो असिस्ट उन्होंने किया था एकदम बॉल को सजा देने वाला चीज है, बस वहां पे आपको गोल करना है। एंड बहुत ही ज्यादा परफेक्ट असिस्ट जिनचेंको ने किया था एंड जो उन्होंने गोल किया था देख एकदम वैन बास्टन का याद आ गया, कमाल का गोल। और ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था यूक्रेन की तरफ से, बढ़ा स्वीडन का भी परफॉर्मेंस अच्छा था बट मेरे हिसाब से यूक्रेन डिजर्व करते थे ये मैच जीतना। एंड देखते हैं कि यूक्रेन वर्सेस इंग्लैंड मैच में यूक्रेन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जुआनन के बारे में। तो जुआनन एज बिकॉज बैंगलेसी छोड़ चुके, बेसिकली उनका कॉन्ट्रैक्ट एक और साल तक था बैंगलेसी के साथ बट म्यूचुअल टर्मिनेशन हो चुका है उनके कॉन्ट्रैक्ट का एंड दो आईएसएल के क्लब्स उनके ऊपर इंटरेस्टेड है, मतलब बेसिकली तीन आईएसएल के क्लब्स इंटरेस्टेड है बट
बट दो ऐसे के क्लब का नाम सामने निकल के आया है एंड वो दो क्लब से हैदराबाद एफसी एंड उड़ीसा एफसी। एंड हैदराबाद एफसी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है जुआनन के ऊपर एंड मेरे सबसे काफी बढ़िया साइनिंग होगा हैदराबाद एफसी के लिए क्योंकि जुआनन एक काफी अच्छे डिफेंडर है नो डाउट। ओके उनका परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट नहीं है बट अगर उनको मेरे हिसाब से और मौका दिया जाएगा तो हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो। तो बेसिकली जुआनन अच्छे प्लेयर है बट उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छे प्लेयर नो डाउट। और डेफिनेटली इनका साइनिंग हैदराबाद एफसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइनिंग होगा एंड देखते कि जुआनन फाइनली कौन से क्लब में जाते हैं। सुरक्षित रेवर एडिके मोहन बागान की तरफ से तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि रैवल मॉरिसन जो कि एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर, इनका एज है 28 एंड वो एक जमैका के प्लेयर है, मतलब प्लेयर तो है बेसिकली इंग्लैंड के बट ड्यूअल सिटीजनशिप होता है कि इंग्लैंड का नेशनल टीम का ओके उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो था नहीं कि इंग्लैंड का नेशनल टीम का ओके खेलेंगे तो जमैका में चले जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला है। बट बेसिकली रैवल मॉरिसन के साथ बात कर रहे एटीके मोहन बागान एंड ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है वेस्ट हैम के मैनेजर्स जब वो वेस्ट हैम में थे रियो फर्नांडिस, मुझे पता है आप लोग बहुत जानते हो, उन्होंने बोला कि रैवल मॉरिसन कमाल के टैलेंटेड प्लेयर है, उनके पास प्रॉपर विजन है, प्रॉपर बॉल कंट्रोल है, एक कमाल का फिनिशिंग एबिलिटी है बट रैवल मॉरिसन ने कभी अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। और बहुत लोगों ने बोला कि ही इज़ अ वेस्ट ऑफ टैलेंट क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है रैवल मॉरिसन, अगर आप उनका हाइलाइट्स भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी बढ़िया स्किल है, काफ़ी अच्छा विजन है, वो समझ सकते कि कहाँ पे किसको बॉल पास करना है बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है एंड अगर आप 100 मैचेस में एक मैच अच्छा खेल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वैसा वाला चीज़ है रैवल मॉरिसन के साथ एंड रैवल मॉरिसन करेंटली एक फ्री एजेंट है एंड एडेड डिवाइस में वो एक्चुअली एडो डेन हाक में थे एंड उसके बाद वो शेफील्ड यूनाइटेड, लाजियो, वेस्ट हैम जैसे क्लब में वो खेल चुके। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंडर 18 टीम में थे रियो फर्नांडिस के साथ एंड काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है नो डाउट बट अगेन उनका वही है कि वो अपने आप को प्रॉपर स्ट्रेच करते ही नहीं है कभी एंड ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो सकता है बट मुझे लगता नहीं कि रैवल मॉरिसन आएंगे क्योंकि ऑलरेडी जॉनी कोको का साइनिंग एटीके मोहन बागान ने कंप्लीट कर लिया है। सो दो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर का कोई ज्यादा सेंस बनता नहीं है बट अगेन कुछ बोला जा नहीं सकता, हो सकता है कि डेविड विलियम्स को रिप्लेस रैवल मॉरिसन करे एंड एक एशियन डिफेंडर का साइनिंग वो लोग कंप्लीट करे। सो अभी एटीके मोहन बागान के पास बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड है एंड देखते कि फाइनली क्या रैवल मॉरिसन एटीके मोहन बागान में आते हैं नहीं। सुरक्षित रेवर चेन्नई एफसी की तरफ से तो चेन्नई एफसी ने ऑफिशियली साइनिंग अनाउंस कर दिया नारायण दास का एंड नारायण दास ने चेन्नई एफसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मेरे सबसे काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग है चेन्नई एफसी के लिए एंड ये चीज मैंने पहले ही कवर कर दिया था। सर देखते कि नारायण दास का परफॉर्मेंस चेन्नई एफसी का ओके कैसा रहता है। सुरक्षित रेवर चेन्नई एफसी के ही तरफ से तो चेन्नई एफसी ने एक और प्लेयर का साइनिंग कंप्लीट कर लिया है एंड ये ऑफिशियल तो नहीं है बट ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके, तो सलाम रंजन सिंह का साइनिंग चेन्नई एफसी ने कंप्लीट कर लिया एंड मेरे सबसे बहुत ही कमाल का साइनिंग है क्योंकि सलाम रंजन सिंह नो डाउट बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है एंड एटीके मोहन बागान ने ऑलरेडी सलाम रंजन सिंह को रिलीज तो कर ही दिया था और मेरे सबसे बहुत ही कमाल का साइनिंग है एंड सलाम रंजन सिंह जो कि सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है इनका एज है 25 और मेरे हिसाब से ये साइनिंग चेन्नई एफसी का डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रांग बना देगा एंड फर्स्ट 11 में ना सही तो एज अ सब्स्टिट्यूट तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते एंड मेरे हिसाब से एज बिकॉज दीपक टंगरी ऑलरेडी एटीके मोहन बागान में जा चुके तो दीपक टंगरी को सलाम रंजन सिंह एक अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं एंड देखते हैं कि सलाम रंजन सिंह का परफॉर्मेंस चेन्नई एफसी का ओके नेक्स्ट आईएसएल के सीजन में कैसा रहता है। सुरक्षित रेवर एटीके मोहन बागान की तरफ से तो जैसे कि मैंने बोला दीपक टंगरी का साइनिंग ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है एंड दीपक टंगरी ने एटीके मोहन बागान के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड दीपक टंगरी जो कि सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है इनका एज 22 काफी ज्यादा कमाल के प्लेयर है दीपक टंगरी और वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में भी बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते एक कंप्लीट प्लेयर जिसे हम कहते हैं दीपक टंगरी वो है एंड अगर उनको प्रॉपर मौका दिया जाए तो उनका गेम और भी ज्यादा इंप्रूव होगा। तो मेरे हिसाब से इनको डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में एटीके मोहन बागान में मौका मिल सकता है बट अगेन लेनी रॉड्रिगस है ऑलरेडी वहां पे तो कंपटीशन तो है एटीके मोहन बागान के अंदर बट मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग एटीके मोहन बागान के लिए क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूट दीपक टंगरी बहुत कमाल के प्लेयर है, बेसिकली वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर ही नहीं है बट अगर उनका सब्स्टिट्यूट लाया जाएगा तो बहुत तगड़ा एक टीम हम लोग को ये समझ जाना चाहिए कि जिस टीम में दीपक टंगरी जैसे प्लेयर्स एज अ सब्स्टिट्यूट आते तो वो टीम कितना ज्यादा स्ट्रांग है एंड देखते हैं कि दीपक टंगरी का परफॉर्मेंस एटीके मोहन बागान का ओके कैसे रहता है। सुनिश्चित एफसी गोवा की तरफ से तो
कुछ रूमर्स ये है कि अली अलीपोर जो कि एक ईरानियन प्लेयर है एंड एज बिकॉज जो 5 स्ट्राइकर्स एफसी गोवा ने शॉर्टलिस्ट किया उसमें से एक ईरानियन स्ट्राइकर भी है, तो अली अलीपोर के साथ करेंगे एफसी गोवा बात करें या फिर एफसी गोवा ने अली अलीपोर को शॉर्टलिस्ट किया है। एंड ये एक सेंट्रल फॉरवर्ड पोजिशन की प्लेयर, इनका एज 25, बहुत ही यंग प्लेयर है और इन्होंने पर्सिपोलिस में ऑलरेडी खेला है और करेंगे इनका क्लब है मैरिटिमो और काफी एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा, काफी यंग प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है। इनका परफॉर्मेंस पुर्तगाल में उन्होंने 26 मैचेस खेला है, 2 गोल किया है एंड 1 असिस्ट दिया है, बट अगर हम लोग यही परफॉर्मेंस ईरान के प्रीमियर लीग में देखे तो वो काफी अलग हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि यूरोपियन सर्किट में खेल रहा है, एशियन सर्किट में ईरान कोई छोटा मोटा लीग होता नहीं है वहां पे, एंड काफी कॉम्पिटिटिव लीग है वहां पे, उनका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 6-7 गुना ज्यादा अच्छा है। सो ऑफकोर्स अगर वो इंडिया में आते तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का होगा, नो डाउट, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है एंड लीगा नॉर्थ में खेलना इतना इजी नहीं होता है, नो डाउट यूरोपियन सर्किट के किसी भी टॉप डिवीजन में खेलना इजी नहीं होता है। एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग होगा एफसी गोवा के लिए, क्योंकि एक तो एशियन कोटा भी फिल हो जाएगा, एक प्रॉपर यंग प्लेयर मिल जाएगा एंड यंग प्लेयर के साथ एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उनका जो स्टैमिना है वो काफी ज्यादा होता है। अब एक प्लेयर जिनका एज 38-39 हो चुका है, ऑफकोर्स वो 90 मिनट्स तक अपना 100% देके नहीं खेल सकते, बॉडी गिव अप कर देगा, बट एक 25 ईयर ओल्ड का प्लेयर वो 90 मिनट या 120 मिनट तक अपना 100% देके खेल सकता है अगर वो फिट रहा तो। इंजरीज तो काफी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया, बट डेफिनेटली अगर ये साइनिंग कंप्लीट होता है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एफसी गोवा एक और स्पेनिश डिफेंडर का साइनिंग कंप्लीट करेंगे एंड देखते हैं कि क्या अली अलीपोर एफसी गोवा में आते हैं नहीं। सिलेक्शन इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल मुझे नेदरलैंड, तो फ्रैंक डे बोर जो कि नेदरलैंड के कोच थे उन्होंने म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली टर्मिनेट कर दिया, बोल सकते हो बेसिकली वो अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर चुके एंड ही इज नो लॉन्गर द कोच ऑफ नेदरलैंड नेशनल फुटबॉल टीम। एंड उनको बेसिकली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था आफ्टर रोनाल्ड कोमन लेफ्ट नेदरलैंड, यूरो के बाद उन्होंने अपने इस पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है एंड देखते कि नेदरलैंड के नए कोच कौन होते हैं। मैनचेस्टर सिटी की तरफ से तो बहुत सारे रूमर्स के बाद कि फर्नांडिनो ब्राजील में वापस जाएंगे, अपने होम टाउन में वापस जाएंगे, बट फर्नांडिनो मैनचेस्टर सिटी के साथ एक और साल रहेंगे, एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सटेंड किया है और मेरे हिसाब से उनका जो रोल है किसी भी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो उनके पास एक कमाल का लीडरशिप एबिलिटी है, नो डाउट एक काफी कंप्लीट प्लेयर है, एक्सपीरियंस है उनके पास और मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है। उन्होंने बोला है कि अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, बेसिकली वो यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि अभी भी यूएफए चैंपियंस लीग जीतना बाकी है एंड नेक्स्ट सीजन वो लोग यूएफए चैंपियंस लीग जीतने के लिए अपना 100% लगा देंगे एंड देखते हैं कि फर्नांडिनो का परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी का नेक्स्ट सीजन में कैसा रहता है। तो अब बात करते हैं दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीमा पुनिया के बारे में। तो सीमा पुनिया जो कि डिस्कस थ्रोअर है वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुके हैं, बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स में वो क्वालिफाई कर चुके एंड उन्होंने एक 63.72 मीटर का थ्रो किया था। सो कांग्रेचुलेशंस टू सीमा पुनिया फॉर क्वालिफाइंग इन द टोक्यो ओलंपिक्स। सो अब बात करते हैं गोल्फ के बारे में, तो ये सेकंड इंडियन गोल्फर जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका नाम है उद्यान माने एंड उम्मीद करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छा हो। सो बस गाइस आज के इतना ही एंड डेफिनेटली 11 विकेट्स ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट को लिंक मिल जाएगा एंड डाउनलोड कीजिए 11 विकेट्स। सो बस गाइस आज के इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल का दबाना एंड कमेंट कीजिए फॉलो कर इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मैं अपने वीडियो के साथ तब तक के लिए।